फ्रेश रखने के लिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट इसमें रख सकते हैं। जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर का है। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मिनी फ्रिज लाया हूँ, आपके डेली लाइफ में यूज में आने वाला है। अगर आप बैचलर हो या फिर सिंगल पर्सन हो, मीन्स ज्यादा फैमिली नहीं हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। कॉम्पैक्ट और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों को सारे डिटेल बताता हूँ इसका, क्या क्या इसमें यूज कर पाओगे और कैसा है प्रोडक्ट और ये कितने तक में आप लोगों को मिलने वाला है। ये गोदरेज कंपनी का है, इसका मॉडल नेम क्यूब है। आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पोर्टल से परचेस कर सकते हो। मैं सप्लाई देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे प्लग इन कर दिया हूँ, तो हमेशा प्लग इन कर देना। और ये 230 के लिए यूज में आता है, एसी में यूज आता है। मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ऐसा टाइप का इसका इंटीरियर है और यहाँ से लॉक हो जाता है तो लाइट ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। और ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर टाइप का है, ये कूलिंग करता है बट ये फ्रीज नहीं करता है। आइसक्रीम रखा हूँ इसमें, तो ये मतलब नॉर्मल रखेगा बट फ्रीज नहीं करेगा। यहाँ पे एक लाइट इंडिकेशन रहता है, छोटा सा शेप में है। और इसका जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर का है। आप 30 लीटर तक इसमें यूज कर पाओगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हो। फ्रेश रखने के लिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट इसमें रख सकते हो, जो भी आपको कूलिंग के लिए जरूरत है। और यहाँ पे नीचे में एक ट्रे दिया हुआ रहता है, कुछ ऐसा छोटा एंड कॉम्पैक्ट मिनी कूलिंग बॉक्स है, तो काफी अच्छा है। गोदरेज कंपनी का है। अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट है वो 7,500 से 8,000 तक में मिलने वाला है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पोर्टल से मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। और इसका कैसा कनेक्शन है वो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें इंटरनली कैसे कनेक्ट होता है और ये सप्लाई में जाता है। बाकी ये इंटरनल पार्ट रहता है वो आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और ये देख सकते हो कूलिंग के लिए फैन रहता है और ये साइलेंट भी रहता है, साउंड नहीं करता है, बहुत स्मूथ चलता है, तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है।